यस सर, वेलकम टू दिस अनदर क्वेश्चन एंड डिस्कशन। क्वेश्चन एंड डिस्कशन अब चालू कर चुके हैं हम लोग। इंटरनेशनल टैक्स का, डायरेक्ट टैक्सेस के क्वेश्चन एंड डिस्कशन आपने पहले ही देख लिए होंगे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं सर, क्योंकि एक चीज़ हमको समझती है कि सर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। सो ये जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ, ये बुक है, आपको फिर से बता दूँ, क्वेश्चनेयर बुक है, जो आपको वी स्मार्ट के वेबसाइट पर मिल सकती है या आपके नियरेस्ट वी स्मार्ट सेंटर पर कॉल कीजिए, पूछिए विजय सर का डायरेक्ट टैक्सेस का फाइनल का क्वेश्चनेयर है क्या, और इस क्वेश्चनेयर को ले लीजिए। बस इतना छोटा सा बुक है जिसके अंदर में करीब मोर देन 500 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, यस और नो एंड दैट टू सॉल्व। तो आप सभी इस क्वेश्चनेयर के ऊपर भिड़ जाइए। आइए आज का क्वेश्चन है डिस्कशन चालू करते हैं, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं तो ये डिस्कशन मत देखिएगा, अगर आप न्यू सिलेबस के अंदर में हैं तो आप इस डिस्कशन को देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किए हैं, ये उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। एक्सप्लेन ब्रीफली द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन यूएन एंड ओईसीडी टैक्स कन्वेंशन। जरा याद करो, यूएन एंड ओईसीडी टैक्स कन्वेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है। याद कर, दो चीजें हैं, राइट। ओईसीडी किस बेसिस पे टैक्स करता है, याद कर, और यूएनएमसी क्या करता है, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन रेसिडेंस एंड अ स्टोर स्टेट। क्या तुझे याद है? तो सबसे पहले पॉइंट तो ये लिखना पड़ेगा कि भैया ओईसीडी जो है, राइट, ओईसीडी जो है ये डेवलप्ड कंट्री के बीच में होता है, और यूएन मॉडल जो है ये डेवलपिंग कंट्री के बीच में होता है। एक डिफरेंस तो ये था। दूसरा, ओईसीडी जो है ये रेसिडेंसी बेस्ड टैक्सेशन को प्रमोट करता है, जबकि यूएनएमसी क्या करता है बेटा, कॉम्प्रोमाइज है रेसिडेंस और स्टोर्स के बीच में। तो ये दूसरा पॉइंट है जो अपने को लिखना पड़ेगा। ये दो पॉइंट मेजरली आना ही चाहिए, राइट। सो ओईसीडी मॉडल इज एसेंशियली अ मॉडल OECD model is essentially a model treaty between two developed nations. So OECD is between two developed nations, while UN model is between a developed and developing country के बीच में का होता है। OECD model advocates the residency rule, while UNMC is a compromise. It's a compromise between source and residency rule, giving more weightage to the source rule as against the residency rule. ये दो point तो आपके answer में आना ही चाहिए मालिक, बाकी कुछ आए ना आए। ये दो point, एक point ये, दूसरा point ये, दोनों के difference का। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें कितने आर्टिकल है, इसमें कितने आर्टिकल है, वो एक डिफरेंस आपका अराइज हो सकता है। यस, अच्छा जी, द रेसिडेंसी रूल मींस टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवियर इन द कंट्री ऑफ विच ही इज अ रेसिडेंस। देयरफॉर एज पर रेसिडेंसी रूल, रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड बाय यूएसए कंपनी फ्रॉम इंडियन कंपनी शैल बी टैक्स्ड इन यूएसए, दैट इज द कंट्री इन विच द रिसीवर इज रेसिडेंट। यस, वेर एज द सोर्स रूल, द इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर इन द कंट्री वेयर सर्विसेज आर यूज्ड, जहां से वो इनकम अराइज हुई, जहां से वो सोर्स अराइज हुआ है। येस और नो मालिक। सो मेजरली ये दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी लिख दोगे तो काफी हो जाएगा मेरे हिसाब से। दो तीन, उससे ऊपर का मार्क का ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर चलते हैं। व्हेन डज इट बिकेम नेसेसरी टू अप्लाई टाई ब्रेकर रूल, डिस्कस द मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टाई ब्रेकर रूल। मालिक, टाई ब्रेकर रूल कब एप्लीकेबल होता है, याद करो, टाई ब्रेकर रूल कब एप्लीकेबल होता है। सर, टाई ब्रेकर रूल तब एप्लीकेबल हो जाता है जब व्यक्ति के हाथ में टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती है और हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन नहीं कर पाते। अगर हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं बेटा, टाई ब्रेकर रूल अप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल के केस में टाई ब्रेकर रूल अप्लाई किया जाता है। मैक्सिमम केस में सबसे पहले उसका परमानेंट होम देखा जाता है, फिर उसका हैबिचुअल एडॉप्ट देखा जाता है, क्या आपको याद आ रहेगा, फिर उसका हैबिचुअल एडॉप्ट देखा जाता है, फिर उसका सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट देखा जाता है, फिर बाकी चीज़ें देखी जाती है। सो इंडिविजुअल के आस्पेक्ट से मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है टाई ब्रेकर रूल। DTAA provides that certain income are taxable in the hands of recipient in the country of which he is resident. Every jurisdiction in its domestic tax law prescribes the mechanism to determine the residential status of a person. If a person is considered to be resident of both the contracting state, अगर दोनों contracting state का वो resident हो जाता है, and it is difficult to find out the residential status. So if a person is considered to be resident of the both contracting state, a series of tiebreaker rule is provided in model tax convention. Right, a series of tiebreaker rule is provided for model tax convention to determine the residential status of individual. सबसे पहले the first test is to determine permanent home. ये देखा जाता है कि उसका permanent home कहाँ है। अगर उसका permanent home दोनों जगह है तो फिर दूसरी चीजें देखी जाती है। So the first test is based on where the individual has a permanent home. Therefore, he shall be deemed to be the resident of that state in which he has a permanent home available to him. If permanent home would mean a dwelling place available at all the times. Permanent home means a dwelling place available at all time continuously and not occasionally, and include a place for rent,
फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. एनी प्लेस टेकन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टे और टेम्पररी पर्पज, होटल लॉज वगैरह में रुका तो वो कंसिडर होता नहीं, ये हम लोगों ने कंसिडर किया है. द सेकेंड टेस्ट, इफ दैट टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव फॉर द रीजन दैट इंडिविजुअल हैज परमानेंट होम इज अवेलेबल इन द बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जहाँ पे उसके पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप ज्यादा है. याद होगा तो इस पर हम लोगों ने शाहरुख खान साहब का एग्जाम्पल दिया था, दैट ही हैज ऑल्सो प्रॉपर्टी इन दुबई भुर्ज खलीफा. हम लोगों ने यह भी देखा था बॉस की शिल्पा शेट्टी का भी प्रॉपर्टी है उधर, राइट. सो हम लोगों ने वो एग्जाम्पल भी लिया था कि भैया उसका सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट कहाँ है. सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट उनका इंडिया में बनता है, भले ही प्रॉपर्टी वहाँ हो, परमानेंट होम वहां पर भी हो, बट उनका क्या माना जाएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में माना जाएगा. थर्ड, In case individual has permanent home available in both the contracting state and it is not possible to determine the center of vital interest, then where the individual has no permanent home to him available, then state of preference is given to the contracting state where individual has a habitual adob. ये है third criteria. Second criteria center of vital interest, first criteria permanent home. So पहला criteria permanent home, दूसरा center of vital interest, तीसरा हैबिचुअल अडॉप्ट. उसकी हैबिट, हैबिचुअल अडॉप्ट कहाँ से, किस रिलीजन से या किस कंट्री से मैच करती है, हम वो देखते हैं. इफ द अब इसी टाइम पे हमने शाहरुख खान का एग्जांपल लिया था, ही इज ए मुस्लिम, सो ही ऑल्सो यू नो फ्रॉम इंडिया एंड देर आर मेनी पीपल इन दुबई हु आर मुस्लिम एज वेल, तो अब इसका हैबिचुअल अडॉप्ट दोनों भी जगह दिख सकता है, तो वापस एक क्वेश्चन अराइज होता है. सो इफ द इंडिविजुअल हैज अ हैबिचुअल अडॉप्ट इन बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और नीदर ऑफ देम, he will be treated as resident of a contracting state in which he is a national. The fourth criteria जो arise होता है वो nationality का arise होता है कि फिर कहाँ उसने nationality ली हुई है. So पहला permanent home, दूसरा center of vital interest, तीसरा habitual adopt, चौथा nationality की उसने nationality कहाँ पे ली हुई है. और इसके बाद if the individual is a national of both or neither of the contracting state, both or neither of the contracting state, फिर आखिरी में matter क्या किया जाता है, competent authority को दे दिया जाता है for the purpose of what, determining the residential status. So individual का residential status as per tiebreaker rule, सबसे पहले उसका permanent home, center of vital interest, habitual adopt, permanent home और उसके बाद में authority को दे दिया जाता है. answer check कर लो, ये question पूछा जा सकता है, बहुत frequent है, बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है. यस, चलो जी आगे बढ़ते हैं. अगर आप देखो तो थर्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मे 2018 इन अ न्यू सिलेबस. यस, व्हाट इज ट्रीटी एज पर द आर्टिकल 2 ऑफ वियना कन्वेंशन. आपको पता है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर क्या डाला हुआ है बेटा, यूट्यूब के ऊपर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है एबीसी एनालिसिस, जिसमें मैंने कहा है ये वियना कन्वेंशन जो है इसके आर्टिकल बहुत रेलेवेंट है, ये पढ़ के जाना. क्यों? क्योंकि मे 2018 से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चालू हो चुका है. सो आर्टिकल 2 पूछता है कि भैया ट्रिटी मतलब क्या होती है. याद करो अपन लोगों ने लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ट्रिटी इज अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. ट्रिटी इज अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज विच इज गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉज, विच इज गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉज. एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है दो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइम पे साइन किए गए हो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री. सो इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ. तीन वर्ड मैंने काम किए याद रखने बोले, इट इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट, सॉरी इट इज अ रिटन अग्रीमेंट गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, मे बी वन और मोर अग्रीमेंट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, मे बी रिटन बाय एनी अग्रीमेंट. ये किसी भी नाम से हो सकता है, हालांकि मोर पर्टिकुलरली ये DTAA नाम से होता है. यस, चलो आर्टिकल 2 ऑफ द वियना कन्वेंशन, राइट, ऑफ द लॉ ट्रिटी डिफाइंड, ट्रिटी इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट कॉन्क्लूडिंग बिटवीन स्टेट्स इन रिटर्न फॉर्म. कॉन्क्लूडिंग बिटवीन स्टेट्स, यहां पे मैंने आपको कहा था स्टेट्स का मतलब होता है कंट्री या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक एरिया.
गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ. कैसे गवर्न होना चाहिए भाई? इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ये गवर्न होना चाहिए. वेदर एम्बेडेड इन सिंगल इंस्ट्रूमेंट और टू और मोर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट. चाहे ये एक इंस्ट्रूमेंट आया हो या एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आया हो, फर्क नहीं पड़ता. सो एम्बेडेड इन अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट और वन और मोर इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट्स पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड ट्रिटीज come into play to mitigate the hardship caused by subjecting the same income to double taxation, in short DTAA agreement. The treaty attempts to eliminate the double taxation and try to achieve balance and equity. क्यों एंटर किया जाता है? टू अचीव बैलेंस एंड इक्विटी. द एम इज एट शेयरिंग द टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. येस और नो? अगर आपको इसमें और डीप जाना हो तो DTAA पढ़ लेना कि भैया DTAA क्यों बनाया जाता है, मोर स्पेसिफिकली सेक्शन 90. यस, एक बार देख लीजिए. तीन वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है. ये वर्ड आना चाहिए आंसर के अंदर में, ये वर्ड आना चाहिए आंसर के अंदर में, ये वर्ड आना चाहिए आंसर के अंदर में. डेनिसन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. क्वेश्चन नंबर 4, मई 2018 न्यू सिलेबस क्वेश्चन. मई 2018 न्यू सिलेबस क्वेश्चन रॉयल्टी का मीनिंग पूछ रहा है एज पर यूएनएमसी. यूएनएमसी के हिसाब से रॉयल्टी का डेफिनेशन पूछ रहा है. सो रॉयल्टी याद करो, रॉयल्टी क्या था बेटा? कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर एनी यूज और ट्रांसफर ऑफ एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एट्सेट्रा. वो सारी चीज़ें हम लोग काय के अंदर में आते हैं, रॉयल्टी के अंदर में आते हैं. हालांकि इसमें दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, फिल्म्स एंड रेंटल ऑफ टेप्स इसके अंदर में इंक्लूड नहीं होता. याद आ रहा है आपको? सो चेक करिएगा. आर्टिकल 12 ऑफ यूएन मॉडल कन्वेंशन एंड ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन डिफाइंस द टर्म रॉयल्टी. रॉयल्टी मीन्स अ पेमेंट फॉर ऑफ एनी काइंड रिसीव्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ और राइट टू यूज एनी कॉपीराइट, लिटररी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म, फिल्म टेप्स, रेडियो, टेलीविजन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, मॉडल और फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड साइंटिफिक एक्सपीरियंस. द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी ऑफ ओईसीडी इज आइडेंटिकल टू यूएनएमसी एक्सेप्ट दैट ओईसीडी एक्सक्लूड. कौन बेटा? ओईसीडी एक्सक्लूड. रॉयल्टी से ये चीजें एक्सक्लूड करता है ओईसीडी. कौन कौन सा? रेंटल ऑफ फिल्म टेप्स यूज फॉर टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इक्विपमेंट रेंटल्स, लाइव रेंटल्स फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट. ओईसीडी में ये दो रेंटल रॉयल्टी में नहीं आते, हालांकि यूएनएमसी में आते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में तो हम लोग यूएनएमसी फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर में ये दो भी क्या किए जाते हैं? कवर किए जाते हैं. अगर आपने रिसेंट अमेंडमेंट देखा होगा, एक्सप्लेनेशन टू अगर देखा होगा रॉयल्टी टैक्सेशन के अंदर में, तो आपको समझ में आ जाएगा. एक्सप्लेनेशन टू अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब वहां पे एक अमेंडमेंट आया है. नाउ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इज ऑल्सो रॉयल्टी. क्यों? क्योंकि यूएनएमसी तो इसे हमेशा से ही देता था, इंडिया नहीं लेता था, और अब उस वो भी क्या कर दिया गया है? इंक्लूड कर दिया गया है. तो रॉयल्टी की डेफिनेशन ओईसीडी और यूएनएमसी में बिल्कुल कॉमन है, हालांकि ओईसीडी में दो चीज़ें नहीं आती. ये दो चीज़ें याद रख लेना, बाकी सब सेम है. कौन कौन सा? रेंटल ऑफ फिल्म टेप्स, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इक्विपमेंट रेंटल फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट. रेंटल फॉर फिल्म टेप्स यूज फॉर रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड रेंटल ऑफ इक्विपमेंट आर टैक्सेबल अंडर द यूएन मॉडल एट अ फ्लैट और कंसेशनल रेट से 10%, वेयर एज द अबाउ रेंटल आर टैक्सेबल इन ओईसीडी एज बिजनेस प्रॉफिट. सो ये दो चीजें ओईसीडी में कैसे टैक्स होती है? एज बिजनेस प्रॉफिट. चेक कर लो मालिक, इसे रॉयल्टी नहीं माना जाता. रॉयल्टी नहीं माना जाता तो क्या वो एग्जम्प्ट है? नहीं, वो एग्जम्प्ट नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट बोल के टैक्स होती है. यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं. एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस वेयर इनकम डिराइव्ड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट
इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल और अदर सर्विसेज ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, ये वर्ड काम का है बेटा, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बिकेम टैक्सेबल इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो आपको याद होगा यूएनएमसी मॉडल के अंदर ही हम इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज को अलग करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 14 इसके बारे में डील करता है। आर्टिकल 14 डील करता है किसके बारे में भाई साहब? आर्टिकल 14 डील करता है इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज, और ये सिर्फ यूएनएमसी के अंदर में कवर्ड होता है, ओईसीडी में कवर्ड नहीं होता। सो अगर एक व्यक्ति दूसरे जगह पे अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज देता है तो सो मच ऑफ द इनकम एज इज अर्न फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वुड बी टैक्सेबल। यस, चेक करना। सपोज अ प्रोफेशनल बींग अ रेसिडेंट ऑफ यूके प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज इन इंडिया, आर्टिकल 14 इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज of UN deals with the taxation of income derived by a person. The income derived by the resident of a contracting state in respect of professional services of an independent character shall be taxable in the state of UK except in the following circumstances. Generally, जहाँ से वो services दे रहा है वहीं पे क्या हो जाएगा, taxable हो जाएगा। तो UK में service दे रहा है तो UK में taxable होगा, हालांकि जितनी income India से आ रही है उतने proportion पे India में ही tax देना होगा। Except in the following circumstances, if he has a fixed regular available to him, fixed base regularly available to him in the other contracting state, अगर उसका इंडिया में कोई fixed base available है तो, for the purpose of performing his activity, in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in the other contracting state, may be taxed in the other contracting state. Yes, और या तो वो यहां पे कुछ दिन रह जाए, इफ ही स्टेज इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग टू 183 डेज, मोर देन 182 डेज, वैसे भी रेसिडेंट क्राइटेरिया आ जाता है, इन दैट केस ओनली सो मच ऑफ द इनकम एज इज डिराइव फ्रॉम एक्टिविटी परफॉर्म इन द अदर स्टेट दैट इज इंडिया मे बी टैक्स इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। चेक कर लो मालिक। डन, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मुझे लगता है अब तक का तो खैर पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। पी का डेफिनेशन आपको पूछा गया है मालिक, पी का डेफिनेशन पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट? याद होगा तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, वैसे तो इंडिया में हम लोग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, बिजनेस कनेक्शन नाम की डेफिनेशन को देखते हैं, लेकिन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, वेदर अ ब्रांच ऑफिस, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, फैक्ट्री, वेयर हाउस, अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस अवेलेबल एट ऑल द टाइम्स। सो कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 5 ऑफ द टैक्स ट्रीटीज। आर्टिकल 5 ऑफ द यूएन एंड ओईसीडी टैक्स मॉडल प्रोवाइड्स दैट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मीन्स अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच बिजनेस इज कैरिड आउट होल्ली और पार्शली कैरिड आउट। द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, माइन, ऑयल गैस क्वेरी एंड अदर प्लेस ऑफ इरेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। This expression is invariably used in all tax treaties. It has been considered importance as Article 7 mandates that existence, Article 7 क्या था बेटा? Business profit, याद करो, business profit किसी भी दूसरे country का तभी taxable होता है जब वहाँ पे PE established हो, और इसीलिए WEPS की guideline ने बोला था भैया आप virtual PE भी लेके आओ, ताकि ये जो website है जिनका कोई fixed place of business नहीं है उनसे भी आप tax वसूल कर सको। याद आ रहा है तुम्हारे को, हम लोगों ने discussion किया है इसके ऊपर। So it has been considered important as Article 7 mandate the existence of a PE in a jurisdiction is prerequisite for the purpose of taxation of business profit. अगर PE होगा उस country में तो ही आप उसका business profit क्या कर पाओगे, tax कर पाओगे। Yes, as per Article 7, business profit shall be taxable in the contracting state where PE is located. वहां से आप business profit को tax कर सकते हो अगर वहां पे आपका PE located है तो। PE अगर आपका वहां पे located है तो आप business profit को क्या कर सकते हो, tax कर सकते हो। Yes, the DTAAs therefore provides that if the non-resident or foreign company does not have a PE in India, then income earned in India cannot be taxed in the hands of non-resident or foreign company. ये international tax कहता है। हालांकि इंडिया में हम लोग क्या follow करते हैं मालिक? Business connection follow करते हैं, और business connection अगर इंडिया में है तो by default में taxability आती है। Yes or no? Right? क्योंकि इंडिया ने already virtual PE नाम का concept adopt कर लिया है। Done sir?
यहां पे आपका एक और क्वेश्चन है, डिस्कशन होता है, क्वेश्चन है डिस्कशन ऑफ द मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन कोई इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, राइट। इसके कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल से अगर आप पढ़ के चल जाओ एग्जाम में काफी हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको कहाँ जाना है, YouTube पे जाना है। YouTube पे ABC एनालिसिस डायरेक्ट टैक्स सर्च करना है, उसके अंदर मेरा वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर में आप देख लेना, मैंने मॉडल टैक्स कन्वेंशन के मेजर आर्टिकल आपको बता दिए कि एग्जाम में इतने आर्टिकल पढ़ के चल जाना, प्लस इतने क्वेश्चन है डिस्कशन कर लो, काम खत्म। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अदर क्वेश्चन डिस्कशन के साथ।